नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगमपुर में, जहाँ से सोनू तोमर जी, जो हमेशा समाज के लिए, समाज के हित के लिए खड़े रहते हैं, समाज हित के लिए काम करते हैं, इनके वार्ड में किसी को कोई भी परेशानी हो ये तुरंत पहुंचते हैं और उसके समाधान के लिए चाहे किसी भी उच्च अधिकारी तक जाना हो ये जाते हैं। आज इनकी तरफ से कुछ स्पेशल रखा गया है, मकर संक्रांति का त्योहार भी है, और आखिर क्या स्पेशल आज करने वाले हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपका दिल से धन्यवाद। सर, ओपन चैलेंज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की और आपकी धर्मपत्नी को भी। आपको भी सर। और आज आपकी तरफ से जो स्पेशल ऑफर रखा गया है ये क्या है, आप थोड़ा खुल के बता दीजिए। मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप इस खुशी की घड़ी में जब मैं अपने वार्ड में कुछ नया हटके करने वाला हूँ तो आप हमारे साथ खड़े हो और आपने हमारे बारे में सोचा कि हम भी इसको कवर करते हैं। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मेरी नई सोच, नई पहल, ये मेरी मैडम की सोच थी, मैं तो इसमें भागीदार हूँ क्योंकि ये महिला हैं और एक समझ सकते हैं कि महिला का दर्द महिला जाने और महिला की खुशी भी महिला जाने। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे तो बात चली कि कुछ अलग से करते हैं। पहले मैं विधवा, विकलांग, वृद्ध की तो पेंशन देता ही हूँ, राशन भी देता हूँ, तो मगर उनकी तो करते हैं कुछ नया। जो हमारे वार्ड नंबर 33 में जो हमारे परिवार का एक हिस्सा बढ़ रहा है तो उसकी खुशी में हम भी थोड़ा सा खुश हो जाएं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हमने कोई भेदभाव नहीं। जो भी वार्ड नंबर 33 में जो इस साल 2022 में नया बेबी जो जन्म ले रहा है, लड़का या लड़की, उसको तोमर सेवा समिति ये प्रेम भरा थाल भेंट करना चाहते हैं। माँ के लिए भी समान है इसमें और लड़का और लड़की के लिए भी समान है। जो इस दुनिया में आया है वो हमारा है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो यूनिक सोच आपने रखी, ये कहाँ से आपको आईडिया आया, क्या सोच के किया आपने ये? सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला साल बीमारी को दूर करे, हमारे घर में खुशियाँ आए। और ये सोच, ये तो एक महिला की बिल्कुल बेसिक जरूरत है। जब भी हम शक्ति है महिला और उस शक्ति की जरूरत होती है कुछ खास दिनों में, उसको पैम्पर करें हम। वैसे तो हम घर में सबको करते हैं लेकिन कुछ खास पल है, पल क्या 10-15 दिन ही मान लो, उन 10-15 दिन में हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ तुम कितनी हमारे लिए जरूरी हो, हमारे आगे उसको बढ़ाने में मदद करती हो। सब मतलब सब कुछ एक बीज तो शक्ति ही बोती है ना, थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दें हम भी अपनी तरफ से। वैसे तो हम सबके लिए करते हैं, कभी पानी के लिए लड़ते हैं, कभी नालियों के लिए लड़ते हैं, तो मैंने सोचा कुछ अपनी बहनों के लिए भी किया जाए ताकि उन्हें भी खुशी मिले, उनको भी पैम्पर किया जाए। क्या क्या रखा है उनके लिए? जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे बेबी के लिए पैम्पर है, घी है जिसकी ज़रूरत होती है, और सैनिटाइज़र जो आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, बेबी के लिए पाउडर, मास्क, जन्म घुट्टी, शहद, तेल बच्चे का, मालिश का, और सैनिटरी नैपकिन। अब हम उनके घर जाएंगे। अच्छा, मतलब आप घर घर जाकर? हाँ, घर जाएंगे और उनके घर जाके आस पड़ोस में उनके खुशी में शामिल होंगे, उनकी शामिल होंगे, और साथ में ढोल वाले भी होंगे जो थोड़ा सा और खुशी का माहौल अच्छा बनाए। मतलब आप पूरे धूम धड़ाके के साथ ये खुशियां मनाना चाहते हैं? खुशियां मनाना चाहते हैं, खुशी का पल है, खुशी के साथ ही मनाएंगे। अब ये काफिला यहाँ से शुरू होगा, ढोल नगाड़ों के साथ खुशियाँ मनाई जाएगी, चाहे किसी के घर में बेटे ने जन्म लिया हो चाहे बेटी ने, ये थाल उनके घर पहुँचाया जाएगा। खुशियाँ आज मकर संक्रांति की भी, और एक इनकी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा रहेगा, तोमर सेवा समिति की तरफ से जो नए बच्चे जन्मे हैं उनको गिफ्ट बांटने की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला घर है जहाँ से पहला गिफ्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और जान लेते हैं, आंटी जी क्या नाम है आपका? वीना शर्मा। आंटी जी, क्या पहले कभी आपके वार्ड में आपके विधायक या आपके निगम पार्षद द्वारा इस तरह के कोई गिफ्ट आपको दिए गए हैं? नहीं, कभी नहीं दिए गए। तो ये क्या पहली बार ही आपको इस तरीके का गिफ्ट? हाँ, दिया जा रहा? पहली बार ही। सोनू तोमर जी और उनकी धर्म पत्नी जो ये घर घर जाकर जो नए बच्चे जन्मे हैं उनको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये सोनू तोमर एक समाज सेवक बच्चा है हमारा, हमारा बेटा है ये, हम इन्हें बेटा ही मानते हैं और बेटा ही है ये, इसके साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा है। आंटी जी क्या नाम है आपका? संध्या। आंटी जी, आज जो ये तोमर सेवा समिति आपके पास, आपके घर में जो नया मेहमान आया उसके लिए गिफ्ट लेकर पहुंचे, आपको कैसा लगा?
मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। क्या पहले कभी ऐसा कुछ गिफ्ट आपको यहाँ से किसी ने दिया है? नहीं नहीं। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मैं इसके साथ हूँ, मेरा पूरा परिवार पूरी गली सब साथ हैं। भाई का क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह जी। कुलवीर सिंह जी, तोमर सेवा समिति ने एक पहल की है जो शायद ही पहले किसी ने इस तरीके का जो ये तोहफा है ये जो नवजात शिशु है उन्हें दिया होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये समिति इस तरह के काम जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही है जी। सुनो भाई, जैसे कि पहले से ही कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है ये। सुनो भाई का तोहफा नहीं है, एक तरह से इनका प्यार है कि भाई अपने वार्ड में कोई बच्चा इस साल नए साल जो पैदा हो रहा है उनके घर जाऊँगा, उनसे मिल के आऊँगा, बच्चे को आशीर्वाद दूंगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है, शायद ही आज तक किसी ने की भी नहीं और शायद ही आगे कोई करेगा भी नहीं जी। आपका क्या नाम है? उर्मिला नाम है। उर्मिला जी, ये जो आपकी बच्ची या आपका बच्चा जो नए साल पर इस दुनिया में आया है उसको इस तरह का तोहफा अभी से पहले कितने लोगों ने दिया? अभी तो कोई नहीं दिया, अभी किसी ने नहीं दिया। सोनू जी पहली बार अपनी सेवा समिति की तरफ से आया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना करेंगे। आप बच्चे के दादा हैं जी, हाँ जी। आपको कैसी खुशी आज महसूस हो रही है कि एक तो आपके घर में नया मेहमान आया, ऊपर से सोनू भैया एक गिफ्ट लेकर आपके घर पहुंचे हैं, कैसा लगा? बहुत बहुत खुशी है जी भाई जी का कि हमारे घर में पधारे हैं और इनका बहुत बड़ा सम्मान है हमारे घर में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जावेद है। सर नए साल पे जो नए नवजात शिशु बच्चों ने जन्म लिया उनको उनकी जरूरत की चीजें हैं, बच्चे की तो है साथ में उसकी माँ के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी तोहफे के तौर पर दी जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोनू तोमर जी। और इस एरिया के सोनू तोमर जी एक तरीके से पारिवारिक संबंध लोग कहते हैं वो तो नहीं कह सकते, इस एरिया के बेटा के तौर पर उभरे हैं और हर आदमी की जो दुख और तकलीफ उस सारी समस्या में जो है सबसे पहले सोनू तोमर जी खड़े रहते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सबका प्यार है जी, ये मेरा परिवार है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैंने यह एक अच्छी सोच के साथ कि मैं परिवार मेरा वार्ड मेरा परिवार, मैं यहाँ का बेटा यहाँ का भाई हर साथ मेरा परिवार, ये बहुत संपन्न है, खूब मौज है और कोई छोटे से छोटा है, पर मेरा तो ये एक प्यार भरा तोहफा है, ये अमीर गरीब नहीं, ये तो तोहफा है अगी भाइयों से मिलने का, मेरा एक छोटा सा परिवार के साथ एक मेरा घरेलू रिश्ता हो कि भाईचारे वाला। देखा आपने किस तरह से तोमर सेवा समिति की तरफ से सोनू तोमर और उनकी धर्मपत्री भावना तोमर ने अपने वार्ड में हर उस नवजात शिशु के घर जाकर जो तोहफे उन्हें दिए हैं वो काबिले तारीफ है। कैमरा मैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।